Keema Shimla Mirak Curry. Welcome to Kitchen Minutes. कीमा और शिमला मिर्च बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पे तकरीबन एक पाव कीमा ले लिया है। इसमें मैं ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल, नमक हसबे जायका, सूखा मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सफेद जीरा, सूखा धनिया, सफेद जीरे का पाउडर, यह है काली मिर्च का पाउडर, ये थोड़ा सा मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज, एक टमाटर, थोड़ा सा लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च और बस, और झटपट कीमा शिमला मिर्च हो जाएगा तैयार। अब हमें चाहिए एक ब्लेंडर, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी ले लिया है और मैं इसमें ये चीज़ें शामिल कर दूंगी। एक टमाटर, ये रफली काट लिया मैंने, प्याज, अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च, बस ये मसाले हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और फिर हम कर लेंगे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड। जो हमने सारे मसाले ब्लेंड किए हैं उनको हम इस कीमे में डाल देंगे और हम 10 मिनट के लिए इसको सिर्फ पकाएंगे। 10 अच्छे से ये कीमा जो गल जाएगा और बस हम इसको भून लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तेज आंच पे आप इसको भूने थोड़ी सी देर के लिए। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। कीमे को हमने दिया है भून और सारा तेल साइडों पे आ गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बारीक कटी हुई, ये बारीक बारीक मैंने छोटी छोटी काट ली है शिमला मिर्च, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको बस हमने 2 मिनट तक सौते करना है और फिर हम इसके अंदर आधा कप पानी डालेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये हमारा कीमा शिमला मिर्च हो जाएगा तैयार। 2 से 3 मिनट हमने सौते कर लिया शिमला मिर्च को। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमने यहाँ पे रस में सा रखना है सालन को, बिल्कुल खुश्क या बिल्कुल ड्राई नहीं हम रखना चाहते, तो इस तरह से हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रख देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए और ये है हमारा तैयार। लंबे रखे हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। मसालेदार शिमला मिर्च और कीमा झटपट तैयार है, आप भी घर पर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।